यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में तेल डिपो पर किया हमला। तो हूती विद्रोही कौन है, हूती जो है वो कौन है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हूती रीबल्स। और अभी हुआ क्या है, ईरान ने ऑफर किया है अपना सपोर्ट एक सीज फायर प्लान को लेकर। तो ईरान ने यमन के युद्ध विद्रोहियों द्वारा समर्थित युद्ध विराम योजना के लिए अपना समर्थन देने की पेशकश करते हुए कहा है कि यह युद्ध विराम योजना संघर्ष को समाप्त करने के लिए उपयुक्त मंच हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ईरान ने क्या किया, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ईरान ने यमन की लोकेशन जो है वो आप मैप में जो है वो देखेंगे तो आपको जो है वो कहां पर जो है वो नजर आएगी, यमन की लोकेशन। जैसे ईरान की तरफ जो है आप देखिए, ईरान से नीचे जो है आप जाइए आपको सऊदी अरेबिया दिखाई देगी, सऊदी अरेबिया के नीचे आपको यमन दिखाई देगी, इंडिया, इंडिया के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में ईरान, और ईरान से जो है वो समुद्र क्रॉस करके जो है वो नीचे जाओ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के नीचे यमन। तो ईरान ने जो है वो क्या किया है, यमन में मौजूद हम लोग को हूती विद्रोही जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो उनका एक पर्टिकुलर ये है सीज फायर प्रोग्राम है कि युद्ध विराम वाला प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आप सीज फायर करो, लड़ाई को जो है वो आप खत्म करो, शांति जो है वो करते हैं। तो ईरान ने इसको सपोर्ट किया है। अब ईरान तो सपोर्ट करेगा ही, बिकॉज आपको पहले ही मैं बता दूं कि ईरान जो है ये यहां पर मौजूद जो हूती है उन्हें सपोर्ट करता है, राइट। हूती को इवन ना ही सिर्फ सपोर्ट करता है, बैक एंड फंडिंग भी प्रोवाइड कराता है हूती को सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, राइट। तो ये चीज है। अब इसमें सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, जो थ्योरी में नहीं लिखी हुई मैं चाहूंगा आप अलग से लिख लो, जो पूरा जो गेम है, जो इशू जो चला है वो यमन में चला है, राइट। यमन में ईरान ने हूती विद्रोहियों को, हूती रिबल्स को जो है वो यहां पर प्लांट कर दिया, ईरान के सपोर्ट से हूती विद्रोही यहां पर प्लांट हुए यमन के अंदर। मैप में देखो आप, अपने वर्ल्ड मैप की तरफ देखो, यमन की लोकेशन पे जाओ, तो ईरान ने यमन में क्या किया, हूती विद्रोहियों को प्लांट कर दिया, राइट। किस पर्पस के लिए प्लांट किया, कि वो इस क्षेत्र पर जो है वो तबाही मचाए, इस क्षेत्र पर जो है वो एग्रेशन जो है वो करें, इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में करें। क्यों कर रहा है ईरान ऐसा, देखो भाई इसके पीछे सबसे बड़ा जो हिस्टोरिकल जो डिस्प्यूट है वो शिया और सुन्नी का है, राइट। शिया और सुन्नी का डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिलता है सऊदी अरेबिया और ये सब जो कंट्रीज इसके आसपास की हमें देखने को मिलती हैं, ये सुन्नी कंट्रीज हैं, और ईरान जो है वो शिया हम लोग को जो है वो नजर आती है। तो ये शिया और सुन्नी का मेजर डिस्प्यूट, मतलब वो डिस्प्यूट है, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट, पहला पॉइंट ये है, क्योंकि शिया और सुन्नी वाला क्लॉज यहाँ पर मेंशन नहीं है थ्योरी में, ना न्यूज वगैरह में इस चीज को जो है वो मेंशन किया जाता है, बट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपको बैक एंड हिस्ट्री भी उठाकर देखनी है। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट कहां से डेवलप हो गया, शिया और सुन्नी के बीच में डिफरेंसेस आ गया। दूसरा आज की डेट का सबसे बड़ा डिफरेंस, ये क्षेत्र जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तेल के लिए, राइट। जिन भी लोगों ने इस क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा किया, कंट्रोल किया, वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिलेगी कि उसका जो कंट्रोल होगा वो तेल के ऊपर जो है वो डायरेक्टली हो जाएगा, इस टेरिटरी पर उसका कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली हम लोग को देखने को मिलेगा कि तेल के ऊपर जो है वो हो जाएगा, राइट। अब तेल ही नहीं, यहां पर ट्रेड, इस क्षेत्र में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती है, शिप्स जो होती है वो गल्फ ऑफ एडन से होकर अरेबियन सी में जाती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाती है। जिसने यमन के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, गल्फ ऑफ एडन के ऊपर उसका कंट्रोल हो गया, राइट, वहां पर अपना कंट्रोल वो एस्टैब्लिश कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, जो है वो यहां पर शिप्स को ब्लॉक कर सकता है, ट्रेड को जो है वो रोक सकता है, ट्रेड को जो है वो हैंडल कर सकता है अपने अकॉर्डिंग जो है वो कार्रवाई कर सकता है वो, राइट। और वो भी यहां से इस क्षेत्र से आने वाले जितने भी ऑयल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऑयल ट्रेड वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, इस रूट से होता हुआ जो है वो जाएगा गल्फ ऑफ एडन वाले रूट से, राइट। तो यमन के ऊपर जिसने अपना कंट्रोल किया, गल्फ ऑफ एडन पर उसका कंट्रोल जो है वो हो जाएगा। तो ये तीन चार फैक्टर्स पहले आप ध्यान में रखो कि क्या इंटरेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स आपको न्यूज में जो है वो नजर नहीं आएंगे, या जो थ्योरी है उसमें ये सब फैक्टर्स मतलब स्पेसिफिकली नजर नहीं आते, हिडन ये फैक्टर्स होते हैं, बट आपको आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, जो चीज हिडन है उसको उभार कर लेकर आओगे भाई क्या है। तो ये तीन चीज आपको पता लग गई, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि आज की रेट में अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है, बढ़ना है आगे, तो ट्रेड पर उसकी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो यमन के ऊपर कंट्रोल करके इनडायरेक्टली ईरान जो है वो उस क्षेत्र पर ट्रेड को जो है वो अपने अकॉर्डिंग चला सकता है, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है। दूसरा हिस्टोरिकल शिया और सुन्नी वाला इशू हम लोग को देखने को आ रहा है। तीसरा ऑयल इस क्षेत्र पर हम लोग को नजर आ रहा है, राइट। और जिसके पास ऑयल है पैसा ही पैसा है, और ईरान की हालत तो आप जानते हैं कि आज की डेट में बहुत गंभीर है, सभी कंट्रीज उसके विरुद्ध हम लोग को देखने को मिल रही है, यूएसए ने जो उसके ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं ईरान की, जो ईरान जो है वो प्लांट करता है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह पे। तो अभी हुआ क्या है, अभी इनने बोला कि यार अपन जो है वो वॉर करेंगे नहीं। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, कई बार क्या होता है कि सीज फायर
जो एग्रीमेंट होते हैं, प्लान्स होते हैं, ये शांति वाली जो चीज होती है। अब ये शांति वाली चीज कई बार इसलिए ऑफर की जाती है कि आप अपने जो फोर्सेस हैं उसको पीछे कर लो, और जैसे ही आप अपने फोर्सेस को पीछे करोगे हम आके कब्जा कर लेंगे। एग्जाम्पल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान का एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अफगानियों ने, तालिबानियों ने जो है वो कहा था यूएसए को कि तुम अपनी नाटो फोर्सेस जो है वो हटा दो, मैं कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं करूंगा। जैसे यूएसए गया इसने कंट्रोल कर लिया पूरे क्षेत्र के ऊपर, राइट। तो ये वाली बात तो आप जानते हैं, रूबरू है इस चीज से आप। तो ब्यूरोक्रेसी में कभी भी गिव अप नहीं करना है, ब्यूरोक्रेसी का रूल है। कभी भी सामने वाला कोई एग्रीमेंट करे आपके साथ तो आपको अलर्ट रहना है कि यार ये क्या क्या कर सकता है, ये ब्यूरोक्रेसी का रूल है, राइट। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। ये सीखना, ये एग्जाम जो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम, ये आपको ये नहीं सिखाता कि आपको ये सब चीजें पढ़नी है, ये सब चीजें रटनी है। आपको सीखना क्या है कि आपको इन सर्विस में कैसे ऑपरेट करना है। उनको चाहिए ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स कब डेवलप होंगे, ये रटकर ऑफिसर्स डेवलप नहीं होंगे। अगर रटने वाले लोगों का यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन हो जाता, या टॉपर्स जो होते हैं ना 99% जिनके मार्क्स आते हैं वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाते यूपीएससी के अंदर। आप देखिएगा जितने भी बड़े बड़े टॉपर्स हैं यूपीएससी के अंदर, पूरे अटेम्प्ट जो है वो बर्बाद कर देंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होता। किनका सिलेक्शन होता है, जो यूपीएससी की जो या फिर सिविल सर्विसेज की जो जो होते थे ना नस है, उसको समझ जाता है कि यार इसकी ये नस क्या है। तो ये आपसे आप ये क्या चाहते हैं यूपीएससी, कि आप एक जो है वो ऑफिसर चाहते हैं, कि आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए। आप जो चीजों को जो एनालाइज करो वो तरीके से एनालाइज करो, आपको सटीकता पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल पिन पॉइंट वाली चीजों को ध्यान में रखो। जैसे मैंने आपको ये तीन पॉइंट्स इसके बताए कि क्या इंटरेस्ट जो है वो ईरान का इस क्षेत्र पे है, तो वो इंटरेस्ट आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। तभी तो ईरान का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज की डेट में ये सीज फायर प्लान क्यों लेकर आ रहा है, जिससे कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी एक्टिविटी कुछ समय के लिए बंद कर दे, कुछ समय के लिए यहाँ पर शांति रहे, और ये सोचकर जो है वो आगे की अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बना सके। तो ये चीज होती है, राइट। क्योंकि जब लड़ाई होती रहेगी, सामने वाला काउंटर करता रहेगा, तब आप जो है वो एक्सपेंशन नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप और कंट्रोल जो है अपने एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। बट जब थोड़ी शांति होगी तो आपके पास सोचने का मौका मिल जाएगा, और फिर आप अपने एक्शन जो है वो ले सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो हमेशा दिमाग में रखना। तो हूती विद्रोही की बात करें, तो हूती विद्रोहियों द्वारा युद्ध विराम प्रस्ताव की घोषणा की गई है। मतलब जो लोग इस क्षेत्र पर तबाही मचा रहे थे, जिन लोगों के कारण, जिन विद्रोहियों के कारण यहाँ पर कॉमन मैन की हालत खराब हो गई थी, बेचारे आम नागरिक जो थे उनको घर से भागना पड़ा, हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई, लोगों को खाना नहीं मिलता है, आज की डेट में वो बोल रहे हैं कि हमें शांति चाहिए। तो अशांति तो तुम ही ने करी है, तो तुम कैसे लेकर आ रहे हो शांति के प्रपोजल? तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, घोटाला कुछ नजर आ रहा है। ये चीज आपको एनालाइज करनी है, ये चीज समझनी है। सिविल सर्विसेज के अंदर न्यूज एनालिसिस होती है, ये जो मैंने भी आपको बताई, जो लिखा है वो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके अंदर जो छुपा है उस चीज पर दिमाग लगाना है। तो युद्ध विराम प्रस्ताव की घोषणा की गई। इन विद्रोहियों ने सऊदी अरब द्वारा अपने हवाई हमले को रोकने के लिए और यमन की नाकाबंदी खत्म करने तथा विदेशी बलों को हटाने की शर्त पर शांति वार्ता की पेशकश की है। सामने आ गई बात क्लियर, क्या लिख रहा है ये प्रपोजल के अंदर, कि तुम अपनी फोर्सेस को हटा दो, तुम एयर स्ट्राइक मत करो, राइट, तो हम जो है वो शांति कर लेंगे। मतलब हम नेगोशिएट करेंगे जब तुम हट जाओगे। अरे तुम खुद ही चुप हो जाओ तो सामने वाला कुछ नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया को क्या लेना देना? सऊदी अरेबिया तो पिक्चर में जो है वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तुमने ही जो है वो यहाँ पर हलचल करी, तुमने ही जो है वो यहाँ पर जो है वो इश्यूज किए, राइट, तभी तो आया ना। तो तुम हट जाओगे तो फिर वो होगा ही नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। बट यहाँ पर ऐसा गेम नहीं है, अगर इसको शांत होना होता तो ये डायरेक्टली शांत हो गया होता, राइट। ये कुछ एक्टिविटी अपनी करता ही नहीं, ये बोलता है कि चलो हमें तो शांति करनी है। भाई अब ये खुद ही शांति नहीं रखना चाह रहा और इसने ये युद्ध विराम प्रपोजल जो है वो रखा है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो सीज फायर की क्यों आवश्यकता है, तो अब ये भी सुन लो कि शांति तो होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो है उनकी एक तो मौत भी हुई है, राइट, और साथ ही साथ उनको मिलियंस की संख्या में लोगों को डिस्प्लेस किया गया, बेचारे अपने घर छोड़ के उनको जो है वो जाना पड़ा। यूनाइटेड नेशन ने इस घटना को जो है वो कहा है दुनिया की सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, दुनिया की सबसे खराब मानवीय संकट, ये बताया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए। और बाकी हूती जो है वो कौन है, तो हूती यानी कि ये ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिलते हैं रिबल्स का, ये गठन हुआ था 1990s के समय पर, 1990 के दशक में यमन के बहुसंख्यक शिया समुदाय, शिया सुन्नी समझ में आया, शिया समुदाय के ये लोग हैं। और शिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, राइट, कि ये जो क्षेत्र हम लोग को सऊदी अरेबिया वाला देखने को मिल रहा है पूरा, ये सुन्नी वाला क्षेत्र है। अब ईरान ने यहाँ पर शियास को जो है वो प्लांट कर दिया, राइट। तो शिया समुदाय के सदस्य हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती द्वारा स्थापित एक
सशस्त्र विद्रोह संगठन है, एक आर्म्ड ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, आर्म्ड रीबल ग्रुप, और जैदी शिया संप्रदाय से संबंधित एक समूह है, एक ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहा है जैदी शिया सेक्ट का, जिसने लगभग 1000 सालों तक इस क्षेत्र के एक राज्य पर शासन किया था, यानी कि इस क्षेत्र पर एक शिया जो कम्युनिटी थी उनका हम लोग को देखने को मिला था कि रूल था इस क्षेत्र पर, यमन के क्षेत्र पर। तो उस रूल को रीस्टैब्लिश करने के लिए ईरान ने यहां पर इनको प्लांट कर दिया, राइट। अब पूरा मुद्दा क्या है, तो वन ऑफ द अरब वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री, दुनिया की पुअर कंट्री में से एक यमन हम लोग को देखने को मिलती है अरब के अंदर, यानी कि अरब नेशन में, और यमन जो है यहां पर 7 साल का सिविल वॉर हम लोग को देखने को मिला, जो कि शुरू हुआ जब हुती ने यहाँ की कैपिटल साना को कैप्चर कर लिया। तो साना को जैसे ही हुती ने जो है वो कैप्चर किया, अपने कंट्रोल में किया इस क्षेत्र की कैपिटल को, तो वहां पर जो गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिली थी उसको साउथ की तरफ जो है वो शिफ्ट करना पड़ गया, जो और वहां पर जो साउदी लेड जो गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिली थी, या फिर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो गवर्नमेंट हमें देखने को मिली थी, उसे साउथ की तरफ जाना पड़ा। अब इससे सऊदी अरेबिया चढ़ गया, सऊदी ने बोला कि मेरे क्षेत्र में ये क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में ये क्या एक्टिविटी हो रही है, खुद की वहां पर जो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है उसको किसी ग्रुप ने, एक रीबल ग्रुप ने, विद्रोही जो समूह है उसने हटा दिया, हुती ने हटा दिया, और घंटी बज गई फिर सऊदी अरेबिया। क्यों घंटी बजी, क्योंकि एक तो हुती समूह जो है वो शिया का है और बैकग्राउंड में इसके ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो इसके कारण जो है वो सऊदी की घंटी बज गई। अब सऊदी की घंटी बजेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो हर एंगल को देखेगा, राइट, क्योंकि नेशन है उसका एक बहुत बड़ा, और वो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी से रूबरू है कि क्या होते हैं डिप्लोमेसी और ब्यूरोक्रेसी, तो उसको पता लग गया कि यमन पर कंट्रोल मतलब सीधे सीधे जो ईरान है उसका कंट्रोल पूरे के पूरे क्षेत्र पर, यानी कि ट्रेडिंग रूट्स पर, जिस क्षेत्र के थ्रू व्यापार होकर गुजरता है, ऑयल होकर गुजरता है, उस पर ईरान जो है वो अपना कंट्रोल कर लेगी। तो यहां पर ये घंटी बजी। तो यूएई ने जो है वो फिर बाद में जाकर 2015 में सऊदी के कैंपेन को जो है वो ज्वाइन कर लिया ईरान के अगेंस्ट, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली, बट फिर भी कुछ हो नहीं पाया अभी तक, क्योंकि इस क्षेत्र पर ये लोग टिके रहे। और जो यमन के अंदर जो वॉर हम लोग को देखने को मिला, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें बताया जाता है कि अरब स्प्रिंग जो हुई थी 2011 में वहां से जुड़ी हुई है। कंट्री के अंदर बहुत समय तक एक प्रेसिडेंट का जो है अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट का रूल था, अली अब्दुल्ला साले, राइट, और इसको जो है वो पावर से जो है वो गिराया गया, हटाया गया, और जब इसको पावर से हटाया गया तो अब्दरबू मंसूर हादी ये पावर में आया, बट ये भी जो है वो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि यहां पर ऑब्वियस ही बात है कि काफी सारे लोग जो थे वो लॉयल थे, जो पुराना साले करके जो प्रेसिडेंट था, तो काफी सारे मिलिट्री ऑफिसर जो है वो उससे लॉयल थे, और बाकी हालत जो है वो यमन की बहुत बुरी थी, राइट, क्योंकि कंडीशन जो थी वो बहुत बुरी थी, काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, मिलिट्री अटैक्स लगातार, यानी कि मिलिटेंट अटैक्स लगातार होते थे, मिलिट्री ऑफिसर जो है वो सपोर्ट नहीं करते थे, करप्शन था, फूड इनसिक्योरिटी थी, तो ये इस क्षेत्र को जो है वो स्टेबल नहीं कर पाया। और उसी बीच हम लोग को देखने को मिला कि हूती शिया मुस्लिम रीबल मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया 2014 में, और उस मूवमेंट के दौरान यहाँ पर इस क्षेत्र में जो ये जो गवर्नमेंट थी, यानी कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट, इसको इन्होंने जो है वो यहाँ से हटाया, इनकी कैपिटल से हटाया, और इसके क्षेत्र पर अपना कब्जा, अपना कंट्रोल जो है वो कर दिया। अब सऊदी अरेबिया यमन में क्या कर रही है, तो उसके बारे में पूरी चीज़ आपको जानकारी हो ही गई है कि पूरा इंटरेस्ट जो है वो आपको पता लगी गया है। जो तीन इंटरेस्ट वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। बट हालांकि अभी भी सऊदी अरेबिया जो है वो हूती को जो है वो रोक नहीं पाई, कंटिन्यूसली हूती जो है मल्टीपल अटैक सऊदी अरेबिया के झेलने के बाद भी हूती वहां पर, हूती रिबल ग्रुप्स है वहां पर टिके रहे, राइट, क्योंकि उसके पास बैकिंग है ईरान की तरफ से, राइट। तो ये चीजें हैं, तो इस प्रकार से आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा पूरी चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, स्पेशली मैप पर लोकेशन आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, और पूरा जो मैंने आपको जो पूरी स्टोरी बताई है ये बिल्कुल पॉइंट वाइज अपने दिमाग में जो रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब पूरा इशू भी आपको समझ में आ गया होगा, मेन इंटरेस्ट एरिया भी आपको समझ में आ गया होगा, और हिस्टोरिकल शिया और सुन्नी वाला मुद्दा तो जरूर अपने मेंस में लिखिएगा, जो कि कहीं पर भी ना न्यूज में मेंशन है ना कहीं मेंशन है, बट आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से सिविल सर्विसेज की, तो आप ये वाला पॉइंट जरूर मेंशन करिएगा, राइट।